हाँ जी बेटा, जो घर में हम दही जमाते हैं, जैसे आई सा दैट, ये पहली कह रही है, आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो वो कहती है कि जो मेरी माँ है वो दही में, कर्ड में, वो मतलब दूध में दही मिलाती है वार्म दे मिल्क में, तो दूसरे दिन फिर उसका दही जम जाता है, वो क्यों, ऐसा वो सोच रही है। तो जो कर्ड होता है, हमारा दही होता है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसमें जो लैक्टोबैसिलियस नाम का बैक्टीरिया होता है वो दही बनाने में काम आता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये दूध में मल्टीप्लाई होता है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, वो दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, तो पनीर बनाने में भी बैक्टीरिया काम आते हैं, पिकल्स अचार बनाने में, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारी और भी फूड आइटम्स जिनसे ही बनते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज और भटूरा इज कर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बैक्टीरिया से, यीस्ट से बनती हैं। कैन यू गैस बाई, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो जो रस, गन्ने की रस, जो शराब हो, गन्ने की रस से जो शराब बनती है वो भी यीस्ट से ही बनती है। ये एक्स्ट्रा आपको और बता रहा हूँ। ओके।